होता है, ये बात उनके समझ में आती है, तो क्या होता है, आप मोदी के प्रोडक्ट का पहले इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद जब आप संतुष्ट होते हैं इस प्रोडक्ट से, तो फिर आप इसकी सिफारिश अपने जान पहचान के लोगों के बीच में करते हैं। अगर उनके पास भी कुछ सपने होते हैं तो वो भी इसी दो काम को करते हैं, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना और प्रोडक्ट की सिफारिश लोगों के साथ करना। यही बेसिक साइकिल है जो चलता है और धीरे धीरे नेटवर्क का निर्माण हो जाता है, टीम का निर्माण हो जाता है, धीरे धीरे लोगों के सपने पूरे होने लग जाते हैं। समझनी एक चीज को है कि आपके और आपके टीम के द्वारा जो भी खरीदारी की जाती है, जितने भी रुपये की खरीदारी की जाती है, लगभग उसका 50% हमारा बीवी बनता है। एक पॉइंट आप समझ सकते हैं कि उसका 50% पॉइंट बनता है। और ये जो समीर मोदी आजादी प्लान है, इस प्लान के अंदर आपके जितने भी पॉइंट है, जितने भी बीवी है, वो सब जुड़ते चले जाते हैं और जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे आपका टाइटल, आपका लेवल, आपकी इनकम इस बिजनेस में बड़ी होने लगती है। कल परिवर्तन के स्लाइड में आपने देखा था कि किस तरीके से बीवी जुड़ते जुड़ते 22% के लेवल तक आप पहुंचते हैं, आपका इनकम बड़ा होता है और आप इस बिजनेस में होते हैं डायरेक्टर। उसके बाद डायरेक्टर होने के बाद कल हम लोगों ने समझा था परिवर्तन के सेशन में कि अगर हमारे नेटवर्क में हमारा कोई एक लेग इस बिजनेस में जब डायरेक्टर होता है तो हम इलिजिबल हो जाते हैं, विदेश यात्रा ट्रेवल फंड मिलना शुरू हो जाता है और विदेश यात्रा फंड के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। अगर तीन लोगों के साथ साल दो साल काम करके अगर तीन लोगों को हमने डायरेक्टर बनने में मदद कर दिया तो हम इलिजिबल हो जाते हैं कार फंड के, हमें कार फंड कार मिलना शुरू हो जाता है। अगर छह लोगों को मदद कर दिया हमने डायरेक्टर बनने में तो यहां से एक अच्छी खासी इनकम के साथ साथ होम फंड मिलना शुरू हो जाता है। और अगर छह लेग में हमने एक एक लाख का बिजनेस करवाया, मतलब एक एक आदमी को विदेश यात्रा फंड क्वालिफाई करवाया अपने छह लेग में, तो यहां से हमारी इनकम 1 लाख प्लस प्लस इनकम मिलनी हमारी शुरू हो जाती है। इसके अलावा मान सम्मान पहचान ये सब कुछ यहां से हमें मिलता है। तो जब लोग इतनी सारी चीजों को देखते हैं तो आज हर किसी के पास कुछ ना कुछ सपना होता है और लोग इस बिजनेस को शुरू कर लेते हैं। और जब लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आपकी कामयाबी इस बिजनेस में सुनिश्चित है, आप निश्चित रूप से कामयाब होइएगा इस बिजनेस में। लेकिन यहां कामयाबी के लिए आपको 4 बेसिक का पालन करना होगा। 4 बेसिक नियम हैं इस बिजनेस में सक्सेस होने के, जो बेसिक सुरेखा भार्गव के लिए भी था, जो बेसिक एसडी सिंह सर के लिए भी है, जो बेसिक राकेश कुमार सिंह के लिए है, जो बेसिक मेरे लिए है, वही बेसिक आपके लिए भी है। अगर ये सारे लोग इन बेसिक को करके कामयाब हो सकते हैं तो हम और आप सभी लोग इन बेसिक को करके कामयाब हो सकते हैं। 4 बेसिक हैं, 7 कोर स्टेप हैं और 3 बुलेट रूल्स हैं। इस चीजों को समझना है और एक बेहतर शुरुआत हम लोग करेंगे। ये एक सिद्धांत की तरह काम करता है और यह सिद्धांत आपको फॉलो करना है, आपको पालन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोदी केयर में कामयाबी के 4 बेसिक सिद्धांत क्या हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है इस बिजनेस में कामयाबी का, वो है लिस्ट तैयार करना। कई बार चर्चा हो चुकी है इन चीजों पर और बार बार इन चीजों को इसलिए रिपीट किया जाता है कि अगर एक बार में आपने लिस्ट तैयार नहीं किया तो आप समझ लें, आप मान लें, बिना लिस्ट तैयार किए हुए आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको लिस्ट तैयार करना होगा। दूसरी चीज, लिस्ट में जिन लोगों का आपने नाम लिखा या लिस्ट में जो चीज है, उन लोगों को आमंत्रित कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, वो चीज आपको जानना होगा। तीसरा चीज है डेमोस्ट्रेशन एवं प्लान और चौथा चीज है फॉलोअप। इन 4 चीजों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला चीज है सूची तैयार करना। देखिए, सूची 3 तरह की सूची हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहली सूची है अपलाइन या और कंपनी सपोर्ट चार्ट। ये सूची आपके पास होना निहायत जरूरी है। देखिए, जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तो इस बिजनेस में आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है इस बिजनेस को कैसे किया जाता है।
लेकिन इस बिजनेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बिजनेस कैसे किया जाता है उनको पता है, और वो आपकी मदद करने के लिए भी तैयार होते हैं। वो लोग हैं आपके अप्लायंस। तो आपके पास आपके अप्लाइंग की एक सूची होनी चाहिए। दूसरा, जो सपोर्ट आपको यहां पर मिलेगा वो सपोर्ट कंपनी का मिलेगा। आज मोदी केयर में बहुत सारे कंपनी सपोर्ट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम उन सपोर्ट को कैसे ले सकते हैं। दूसरी लिस्ट हमारे पास जो होनी चाहिए वो हमारे सपनों की सूची होनी चाहिए, हमारे ड्रीम की लिस्ट होनी चाहिए। और तीसरी जो लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए वो लोगों के नामों की सूची हमारे पास होनी चाहिए। तो ये तीन तरह का लिस्ट एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अपलाइन और कंपनी सपोर्ट चार्ट आपके पास होना चाहिए, सपनों की सूची आपके पास होनी चाहिए, और तीसरा लोगों के नाम की सूची आपके पास होनी चाहिए। अब इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो ये एक फॉर्मेट है हमारा अपलाइन सपोर्ट चार्ट का। ये फॉर्मेट है जिसमें लेफ्ट साइड में आप नाम लिखें और राइट साइड में आप उनका मोबाइल नंबर आप लिखें। अभी हम लोग जितने भी लोग हैं हम सभी लोगों के अपलाइन मिस्टर ओपी उत्तम सर हैं, इसलिए हमने इनका नाम यहां पर लिख दिया। और ओपी उत्तम सर का ये नंबर है, ये हमारे जीवनी है, और जरूरत पड़ने पर ये हमारा हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो जरूरत पड़ने पर हम इनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरे नाम हमारे पास एसडी सिंह सर का है, जो हम सभी लोगों के अपलाइन हैं, और हम सभी लोग इसी तरीके से इस सीरीज में आपके जितने भी सीरीज में अपलाइंस हैं वो सभी अपलाइन आपकी मदद कर सकते हैं। तो उनका नंबर आपके पास हमेशा रहना चाहिए, और एक डायरी का पहला पन्ना जो होना चाहिए ये सपोर्ट चार्ट आपके पास बिल्कुल रहे आपके पास। अगली चीज है कंपनी सपोर्ट चार्ट। तो कंपनी सपोर्ट चार्ट में आपके नजदीक के एमएससी का नंबर, वहां के सीएसओ का नंबर, आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर आप जिस जगह पर हैं आपके अपलाइन आपको बताएंगे आपके एमएससी का नंबर क्या है, वहां के सीएसओ का नंबर क्या है, उसको आपके पास रिटेन में होना चाहिए। आपके एएसएम कौन है, कस्टमर केयर का नंबर कौन सा है। कई बार हमें फील्ड में परेशानी होती है, कोई बताते हैं सर बीपी की प्रॉब्लम है, कौन सा प्रोडक्ट इनको देना है। अभी हमारे पास अगर हमारे व्हील ट्रेनर का नंबर रहे, हमारे ब्यूटी ट्रेनर्स हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र के, अगर आपका उनका नंबर आपके पास रहता है तो आप बड़ी आसानी से लोगों को सही चीज प्रमोट कर पाएंगे। तो इस तरह के सपोर्ट आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावे और भी कोई प्रॉब्लम आपके पास होती है तो सपोर्ट मोदी केयर का ईमेल आईडी है, और इस आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, और पूरी कंपनी आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। तो ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको ये आज तैयार कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया। और जो लोग नए हैं उन लोगों का ये चीज आज तैयार करवाना उनके अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज है मेरे सपनों की सूची। डियर फ्रेंड्स, जब भी लोगों से मैं बात करता हूं, लोगों को बोलता हूं सपनों की एक सूची बनाइए, तो लोग ये बोलते हैं कि सपनों की सूची बनाना जरूरी है क्या। ये सवाल आता, आपके मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि क्या ड्रीम का लिस्ट बनाना जरूरी है क्या। डियर फ्रेंड्स, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सपनों की सूची बनाने का, यदि आप एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। आज जिस हालात में आप जी रहे हैं उस हालात में अगर आप जीना चाहते हैं तो आपके पास आपको सपनों की सूची बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 2-4-10 हजार रुपया मोदी केयर से आप कमा ही लेंगे, आपका कोई नुकसान या नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। लेकिन अगर मोदी केयर से आपका सपना बड़ा है और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास सपनों की सूची होनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इच्छाएं हम सभी लोगों की होती है। किसी को बड़ी लंबी सी कार में देखा तो इच्छा होती है काश मेरे पास भी होता। किसी का अच्छा घर देखा तो इच्छा होती है कि काश मेरे पास भी होता। किसी का रिकग्निशन देखा, इच्छा होती है काश मेरे पास भी होता। लेकिन वो इच्छाएं जो होती है वो सबकी पूरी नहीं होती है। वो इच्छाएं उसकी पूरी होती है जिनके इच्छा में जान होती है, जिनके इच्छा में शक्ति होती है। और आपके इच्छा में शक्ति तभी आएगी, सबसे पहला स्टेप है कि आपके इच्छा में शक्ति तब आएगी जब आपके पास ये ड्रीम लिस्ट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहता हूं, ये जान लीजिए अगर आपने ड्रीम लिस्ट बना लिया, आज मेरे कहने पर बना लिया, तो इसमें आपको कितने पैसे का नुकसान हो जाएगा।
कोई नुकसान होगा क्या? कोई भी नुकसान इसमें नहीं है, लेकिन आज आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो साल दो साल पांच साल के बाद भी जब आपके समझ में आएगा तो ये बात आपको लगेगी कि आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, क्योंकि आपने सपनों की सूची तैयार नहीं की थी। आज आप जिस भी लेवल पर हैं, जिस भी टाइटल पर हैं, गोपाल सर ने बताया था कि आपके पास मर्सिडीज कार है, लेकिन अगर ड्रीम लिस्ट नहीं है तो समझ लीजिए उस कार की चाबी आपके पास नहीं है। तो आप किसी भी लेवल पर हैं, आज ड्रीम लिस्ट अपना तैयार कर लें। अगली जो सूची है यह है नामों की सूची। नामों की सूची मतलब हम जिस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में हमारा रॉ मटेरियल क्या है। हमारे रॉ मटेरियल हैं लोग। और यह सिद्धांत है, यह नियम है कि दुनिया में जब भी कोई काम इंसानों के द्वारा किया जाएगा और इंसानों के लिए किया जाएगा तो वहां पर लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। आप उदाहरण ले सकते हैं, अगर कहीं घर में किसी के यहां फंक्शन होती है, शादी ब्याह जब होती है, तो वहां पर क्या होता है, लोगों का काम है और लोगों के लिए किया जा रहा है। तो जब भी लोगों को इनवाइट करने की बात होती है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं। और लिस्ट अगर नहीं तैयार करते हैं तो कई तरह के कॉम्प्लेक्स वो समस्याएं बहुत तरह के आ जाते हैं, किसी को छूट जाता, कोई किसी को भूल जाते हैं। तो हम लोग फिर डिटेल बात करेंगे नामों की सूची कैसे तैयार करनी है। एक फॉर्मेट आपके सामने है, इस फॉर्मेट में आप लोगों के नामों की एक सूची आप तैयार करें। आपके पास कम से कम 300 लोगों का नाम होना चाहिए, और 300 लोगों का नाम आप एक दिन में नहीं लिख सकते, उसकी शुरुआत आप 30 नाम से कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर लिस्ट नहीं तैयार किया तो आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा होगा, मेरी बात पर यकीन कीजिए। और जिस दिन लिस्ट तैयार हो जाएगा उस दिन आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आज बिना लिस्ट के लोगों के पास पहुंचते हैं, आप बिजनेस करते करते वहां गिरगिराना शुरू करते हैं और आपका बिजनेस नहीं होता। जिस दिन 300 लोगों का लिस्ट होगा ना, उस दिन जो कॉन्फिडेंस आप महसूस कीजिएगा, आप फोन करके बताइएगा कि लिस्ट होने से कितना फर्क पड़ता है आपके प्रेजेंटेशन में। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं आप सभी लोग कामयाब हों, जल्दी अपने मंजिल पर पहुंचे। अगर लिस्ट नहीं बनाया तो लिस्ट आप तैयार कर लें। ये अगली सूची अगली लिस्ट थी। दूसरा स्टेप है हमारे बेसिक का, वो है इन्विटेशन, आमंत्रण। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जब लोगों को इनवाइट करना होता है, लोगों से समय लेना होता है, तो समय लेना एक आर्ट है, एक कला है। और इस कला को शुरुआत में आपसे कुछ गलतियां होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये काम आपके लिए आसान होता जाएगा, शुरुआत में परेशानी होगी। इसलिए आमंत्रण, इनविटेशन का एक स्क्रिप्ट आपको YouTube पर बहुत सारा मिल जाएगा, तो वहां से या फिर अपने अपलाइन से संपर्क करें, आज कॉल करें अपने अपलाइन को और उन्हें बताएं कि सर इनविटेशन का एक स्क्रिप्ट हमें दीजिए, और इनविटेशन के उस स्क्रिप्ट पर बार 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 लगातार आप अभ्यास करें, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, इस बिजनेस में आपके लिए प्लान कोई दिखा सकता है, डेमो कोई दिखा सकता है, आपके लिए क्लोथिंग कोई कर सकता है, आपके घर पर कार्टून में प्रोडक्ट भी कोई पहुंचा सकता है, लेकिन इनविटेशन एक ऐसा चीज है जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए इनविटेशन आपको आना चाहिए और इनविटेशन का आपको बार बार लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा उस सेशन में इनविटेशन स्क्रिप्ट पर हम लोग बात करेंगे। और तीसरा हमारा काम जो है बेसिक का तीसरा नियम है, वो है डेमो एवं प्लान दिखाना। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जितने भी लोग मोदी केयर में जुड़े हुए हैं, हम सभी लोगों के लिए एक बात कॉमन है कि हम सभी लोग इसलिए आज मोदी केयर में हैं क्योंकि कोई ना कोई आदमी हमें डेमो दिखाया था और हमें प्लान दिखाया था। अगर कोई आदमी मुझे कभी प्लान नहीं दिखाया होता तो आज मैं आपके बीच में नहीं होता। अगर कोई आदमी आपको प्लान नहीं दिखाया होता तो आज आप हमारे साथ नहीं होते। सुरेखा भार्गवा को किसी ने प्लान अगर नहीं दिखाया होता तो सुरेखा भार्गवा आज मोदी केयर में नहीं होती। तो आप समझ रहे हैं इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है। इस बिजनेस का सीक्रेट है ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो दिखाना।
और एक बात मैं आपको बता दूं, एक नया आदमी जब बिजनेस को शुरू करता है तो उसके मन में एक बात चलती है उनके मन में कि अभी मैं नया हूं और मुझे अपने अपलाइन जैसा प्लान दिखाने नहीं आता, मुझे अपलाइन जैसा डेमो करने नहीं आता है। तो उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी प्लान अच्छा नहीं होता है और कोई भी प्लान खराब नहीं होता है। और आदमी फुर्सत में बैठे हुए हैं, घस रहे हैं, डायरी कलम ले लीजिए, इससे अच्छा है नोट कर लीजिए, काम आ जाएगा, यहां घसने से क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेमो और प्लान की बात मैं कर रहा था। डेमो और प्लान, कोई भी प्लान अच्छा और कोई भी प्लान बुरा नहीं होता है। जिसको हम प्लान दिखाते हैं ना, वो आदमी अच्छा या बुरा होता है। आपने गौर किया होगा, एक ही प्लान आपने किसी को दिखाया, कोई आदमी उसी प्लान को देख करके जुड़ गया आपके साथ और उसी प्लान को देख करके कोई आदमी आपके साथ नहीं जुड़ा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। अगर आपका प्लान सही नहीं होता, आपको प्लान दिखाने नहीं आता, तो वो जो एक आदमी आपके साथ जुड़ा है ना, वो भी आपके साथ नहीं जुड़ता। वो आपके साथ जुड़ा इसका ये कारण है कि आपको प्लान दिखाने आता है। दिक्कत उस लोग में है कि जिसके सपने होते हैं वो आपके साथ जुड़ जाता है, जिसके सपने नहीं होते हैं वो आपके साथ नहीं जुड़ता है। तो इसलिए आपका तीसरा काम जो यहां है, डेमो एवं प्लान, अपना डेमो की डे वन से शुरू कीजिए। जिस दिन मोदी के बिजनेस को आपने शुरू किया, ज्वाइन किया, माइंड सेट किया, उस दिन डे वन से अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि सर हमारा डेमो किट कहाँ है। डेमो किट हमारे बिजनेस का सबसे मारक हथियार है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां पर ये मैजिक बॉक्स खुलता है वहां बिना जादू हुए नहीं रहता है। और आप समझ लीजिए कि आप कितने भी ताकतवर क्यों नहीं हो, बहुत ताकतवर आप हैं, लेकिन अगर आपको दीवार पर कांटी ठोकने के लिए अगर हाथ से आपको बोलूं कि कांटी ठोक दें, कितना भी ताकतवर आप हैं आप नहीं ठोक सकते। उसके लिए टूल्स का होना जरूरी है। और हमारे बिजनेस में भी आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास डेमो किट नहीं है तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। आपके पास डेमो किट होना चाहिए। अगर आपने बना लिया है तो एक बार अपना पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि आप उस रास्ते पर निकल चुके हैं जहां सपने पूरे होते हैं। और अगर अभी तक आपने डेमो किट तैयार नहीं किया है तो आप समझ लीजिए कि जितना दिन बिना डेमो किट का मोदी केयर में गुजरेगा वो समय आपका बर्बाद होता जा रहा है। डेमो किट कल तैयार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लान दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए हमने आपसे बताया कि प्लान कोई खराब नहीं होता। अपना प्लान खुद दिखाइए और शुरुआत का 5% अपने अपलाइन के साथ कीजिए। अपने अपलाइन का जो 5% होता है उस प्रेजेंटेशन को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कीजिए, अपने उसको समझिए वो क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं। और प्लान दिखाने के लिए बहुत सारा हेल्प के लिए आपके पास टूल्स अवेलेबल है। आपके पास एक पेज का प्लान प्रेजेंटेशन है, बस एक बार बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार विश्वास अपने अंदर डेवलप कर लीजिए कि बड़ी आसान सी चीज है, दो चार स्टोरी कहनी है और दो चार स्टोरी में प्लान हो जाता है। मोदी केयर का प्लान प्रेजेंटेशन करने से पहले जब लोगों के पास आप प्लान दिखाने जाएं तो समझ लीजिए कि मोदी केयर का जो शोकेस है ना, वो शोकेस आप खुद हैं। इसलिए अपना ड्रेस कोड मेंटेन कीजिए। जैसे तैसे प्लान दिखाने जाइएगा तो वो असरदार नहीं होगा। अपना वॉकिंग ऑफिस तैयार कीजिए। नितिन सर ने बताया था, अपना वॉकिंग ऑफिस दिखाया था हम लोगों को, अपना पर्सनल बैग दिखाया था और वो बैग हमेशा, आज नितिन सर प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, नितिन सर के कार फंड में पैसा आ रहा है, नितिन सर के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, बावजूद इसके वो झोला, वो बैग जो आपने देखा वो नितिन सर के कंधे पर होता है। और आज हमने बिजनेस को शुरू किया, हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन बैग हमारे पास नहीं है। तो आपके पास वॉकिंग ऑफिस अगर नहीं है तो आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आप विचार कीजिए और इसको तैयार कीजिए। डेमो किट की साफ सफाई समय समय पर करते रहिए। प्लान सीट और प्लान फोल्डर अवेलेबल है,
जो आपके प्लान दिखाने को बहुत आसान कर देगा। आपके अपलाइन में अगर भूल गए आपको बताना, तो एक बार अपने अपलाइन से पूछिएगा कि किस प्लान शीट की मैं बात कर रहा हूं। वो प्लान शीट बना हुआ है, मोदी केयर के ऑफिस बेगूसराय में अवेलेबल है। अपने अपलाइन से बात करके उसको मंगवाइए। प्लान फोल्डर तैयार करके रखा हुआ है, आप पलटते जाएंगे और लोगों को तस्वीर दिखता जाएगा, हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाएंगे और लोग प्रभावित होते जाएंगे। कनेक्ट मैगजीन प्रोडक्ट लिफलेट साथ में रखिए, संबंधित वीडियो और पिक्चर को मोबाइल में अलग से फोल्डर बना करके रखिए। ये सभी तैयारी कर लीजिए प्लान प्रेजेंटेशन करने से पहले। और चौथी चीज, चौथा काम जो करना है बेसिक का, वो है फॉलोअप। और फॉलोअप का मतलब होता है पुनः संपर्क करना, पुनः संपर्क करना। आज एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं, सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इस दुनिया में 80% सेल क्लोज होता है पांचवें फॉलोअप में। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, समझ लीजिए इसको, इस दुनिया में 80% सेल पांचवें फॉलोअप में क्लोज होता है, और दुनिया का 80% सेल्समैन 4 फॉलोअप करता है। बात समझ में आई कि दुनिया का 80% सेल्समैन 4 फॉलोअप करके छोड़ देता है और पांचवें फॉलोअप में 80% सेल आता है। इसीलिए दुनिया का 20% सेल्स पर्सन जो है वो टॉप में होता है, क्योंकि वो 80% बिजनेस करता है और बाकी लोग आम होते हैं। फॉलोअप की ये ताकत होती है। फॉलोअप 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। एक बार आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया और 48 घंटे के अंदर आपको मिलकर फॉलोअप करना चाहिए। किसी का भी कम से कम 5 फॉलोअप किए बिना बीच में उसको नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक फॉलोअप के बाद अगले मीटिंग का डेट लेकर के उठना है। एक फॉलोअप के लिए गया तो अगली मुलाकात हमारी उनसे कब होने वाली है, ये डेट लेकर के हम उस फॉलोअप का समापन करेंगे। फॉलोअप सीट का इस्तेमाल करें। आप अपने अपलाइन से पूछिएगा फॉलोअप सीट क्या होता है, जो उस दिन बताया जा रहा था बेगूसराय ऑफिस में अवेलेबल है फॉलोअप सीट, जो जो आपके फॉलोअप को बहुत आसान कर देगा। और अगली चीज याद रखिए, फॉलोअप का एक उद्देश्य कि अगर कहीं फॉलोअप करने के लिए गए हैं तो वहां पैसा लेकर उठना है। ये ध्यान में रखिए कि खाली हाथ नहीं उठना है, जो भी हो पैसा मांगने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है। ये बिजनेस का रूल है, जब आप उससे पैसा मांगते हैं तो आपके बिजनेस का इंपैक्ट उस पर पड़ता है, प्रभाव उस पर पड़ता है, नियम कानून उसके समझ में आता है। और नए लोग प्रायः यहां मिस्टेक करते हैं कि पैसा मांगने से संकोच करते हैं। तो फॉलोअप के कुछ सिद्धांत थे और फॉलोअप का डिटेल हम लोग फिर बात करेंगे फ्राइडे को। अब बात करते हैं 7 कोर स्टेप्स, 7 कोर के सिद्धांत। 4 बेसिक हमने आपको बता दिया, एक बार फिर रिपीट करते हैं। 4 बेसिक में सबसे पहला बेसिक क्या था, सूची बनाना। दूसरा बेसिक नियम क्या था, आमंत्रण करना। तीसरा बेसिक नियम क्या था, प्रेजेंटेशन करना। और चौथा बेसिक नियम था फॉलोअप करना। ये साइकिल ये चलता रहेगा, लाइफ टाइम ये साइकिल चलता रहेगा और आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, आपके सपने पूरे होते रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं 7 कोर स्टेप्स, कोर के 7 सिद्धांत हैं। और अगर इसको आपने कर लिया, 1 साल अगर आपने इसको कर लिया, तो 1 साल में आपकी हालात, आपकी जिंदगी आज जो है उसमें काफी बड़ा फर्क नजर आएगा आपको। ये 7 कोर का सिद्धांत हम सभी लोगों को जानना चाहिए। तो 7 कोर के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है मैजिक कॉर्नर और मैजिक बॉक्स। मैजिक कॉर्नर और मैजिक बॉक्स, मैजिक कॉर्नर का नाम आप लोगों ने कई बार सुना है और अक्सर इसकी बातें की जाती है मैजिक कॉर्नर की। मैजिक कॉर्नर क्या होता है, आपके घर का एक छोटा सा कॉर्नर है जहां पर मोदी केयर बिजनेस को आप शुरू करते हैं, तो 15,000 से 20,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास होता है और आप घर में उसको सजा कर रखते हैं। मतलब प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को काफी आसान बनाने के लिए ये एक बेहतरीन माध्यम है। और जैसा कि आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि एकाएक बिहार का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ा, और बिहार का बिजनेस तेजी से बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि लोगों ने मैजिक कॉर्नर कॉन्सेप्ट को समझा।
और मैजिक कॉर्नर वो रास्ता है जहां से आप तेजी से बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं, आप बिजनेस में कामयाबी की संभावना आपकी काफी बढ़ जाती है। आज हम लोग इस बिजनेस को करते हैं लाखों रुपया महीना में कमाने के लिए, और लाखों रुपया महीना में कमाने के लिए अगर 15,000 से 30,000 के इन्वेस्टमेंट से अगर शुरुआत हम लोग करें तो जरा सोच लीजिएगा, आज रात थोड़ा विचार कर लीजिएगा कि अगर 30,000 रुपया लगाने के बाद एक साल में अगर 1,00,000 रुपये महीने का आने लगे तो जरा सोच लीजिएगा कि क्या आपकी जिंदगी में असर पड़ेगा, और बुरा से बुरा क्या हो सकता है। ये 30,000 रुपये का जो प्रोडक्ट है ये ऐसे भी मार्केट से आप खरीदते हैं, अगर बुरा से बुरा कंडीशन हुआ तो उसका घर में इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। तो ये मैजिक कॉर्नर है और साथ में डेमो किट जिसको हम लोग मैजिक बॉक्स कहते हैं। और व्हाट्सएप पर कुछ इस तरह की बातें आई थी, तो जिसके पास है मैजिक कॉर्नर वही बनेगा लाखों का अर्नर, और जिसके पास है डेमो किट उसी का होगा बिजनेस हिट। तो ये बातें हैं, ये स्लोगन है, ये बिल्कुल सही है कि जिसके पास मैजिक कॉर्नर और मैजिक बॉक्स है उसका बिजनेस में कामयाबी काफी बेहतर हो जाती, आसान हो जाता है। हमारे नेटवर्क में हमारे टीम में एक कंसल्टेंट है, हमारे किसले जी प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, कार इन्होंने खरीदा है, बेलेनो कार इनके पास है, और इनको दिखाना चाहता हूं, ये किसले जी का मैजिक कॉर्नर है। किसले जी का ये मैजिक कॉर्नर ये घर में अलमीरा है, उस अलमीरा पर इन्होंने मोदी केयर के प्रोडक्ट को सजा कर रखा है। अब जरा सा आप सोच कर देखिए, किसले जी के घर पर कल कोई आदमी पहुंचता है, कल कोई गेस्ट पहुंचता है और इस तरीके से इतने सुसज्जित जब प्रोडक्ट को देखता है तो वो किसले जी से जरूर पूछेगा ये सब क्या है। और एक बार अगर पूछ दिया ये सब क्या है तो किसले जी के पास मैजिक बॉक्स भी है, और मैजिक बॉक्स जब खुलेगा तो वो आदमी 2,000-4,000 का प्रोडक्ट जरूर यहां से खरीद कर ले जाएगा। तो हमारे बिजनेस को काफी आसान बनाता है मैजिक कॉर्नर। तो किसले जी ने अपने मैजिक कॉर्नर का फोटो हमें भेजा था तो इसको हमने यहाँ डिस्प्ले पर लगा दिया। और आप में से भी जिनके पास भी मैजिक कॉर्नर है आपने तैयार किया है तो आप अपना फोटो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दें, तो उसे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपके मैजिक कॉर्नर को भी लोगों को दिखाऊंगा। तो इस तरीके से ये मैजिक कॉर्नर कोर का पहला नियम, और कोर का दूसरा नियम 100% यूज। हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही है? सर आ रही है, अभी बंद हो गई थी सर। हाँ आ रही है सर, जी सर मेरी आवाज जा रही है बिट्टू जी? बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ बिट्टू जी। हाँ सर आवाज जा रही है सर। चलिए बस शुरू कर रहे हैं। बिट्टू जी आवाज जा रही है? आ रही है सर। चलिए, 7 core स्टेप में दूसरा स्टेप जो हमारा है वो है 100% यूजर बनना, मोदी केयर के प्रोडक्ट का 100% इस्तेमाल करना। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो इस बिजनेस को करते हैं हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा योगदान हमारे कॉन्फिडेंस का होता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं हमारे पास तो इस बिजनेस में हम कुछ भी नहीं कर सकते। और कॉन्फिडेंस आता कहां से है? जब मोदी केयर के प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। एक बार मोदी केयर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, जैसे समझ लीजिए आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में थोड़ा सा पानी है,
थोड़ा पानी आप उसमें और डालेंगे तो क्या होगा, ग्लास भरेगा, फिर थोड़ा पानी देंगे तो ग्लास लबल भरेगा, और फिर थोड़ा पानी डालेंगे तो ग्लास से पानी बाहर निकल के गिरने लगेगा। इसी तरीके से मोदी केयर का प्रोडक्ट जब पहली बार इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास है, दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो ग्लास हमारा भरेगा, तीसरी बार इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबालब होंगे, चौथी बार इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्फिडेंस बाहर निकलेगा, आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे और आपको कोई डर, कोई भय, कोई संशय नहीं रहेगा लोगों से बात करने में। इसलिए 100% प्रोडक्ट का यूजर होना बहुत जरूरी है। और तीसरा कोर का जो सिद्धांत है वो है प्रतिदिन की गतिविधि। डियर फ्रेंड्स, एक बुजुर्ग आदमी से बात हो रही थी और उन्होंने हमें एक बात समझाया था कि रोजी रोज का होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? रोजी रोज का होता है। जो काम आप रोज करते हैं ना, वही काम आपको जिंदगी में आगे लेकर जा सकता है। कोई काम अगर कभी कभी करते हैं, कभी कर लिया कभी नहीं किया, कोई रूटीन नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, तो उस काम से आप महान कभी नहीं बन सकते हैं। जो काम रोज किया जाएगा उसी काम में आपको कामयाबी मिलेगी। सचिन तेंदुलकर ने कभी कभी क्रिकेट नहीं खेला था, सचिन तेंदुलकर ने रोज अभ्यास किया था, इसलिए सचिन तेंदुलकर हैं। सुरेखा भार्गवा ने कभी कभी मोदी केयर नहीं किया था, रोज मोदी केयर किया था। तो हम सभी लोग भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे पास भी रोज की गतिविधि होनी चाहिए। डेली हमारे पास मोदी केयर का कुछ ना कुछ एक्शन, चाहे 4 बेसिक हो, 7 कोर हो, जो भी काम है हमें रोज गतिविधि करनी है। चौथी चीज, मीटिंग्स, किताब और वीडियोस। और अभी मीटिंग हम बड़ा मीटिंग कर नहीं सकते, बुक्स अवेलेबल हैं, वीडियोस आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, और मीटिंग के जगह पर हमारा ये जूम मीटिंग है। आज देखिए, जूम मीटिंग के माध्यम से एक बात आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो एक बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोगों से हमारी बात होती है जो जूम में रेगुलर आ रहे हैं, और उन लोगों का जो बिजनेस है उस बिजनेस को देखकर मैं काफी खुश हूं। कुछ लोगों ने कमाल कर दिया है, जब से ये लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने जूम पर एक्टिविटी शुरू किया, कुछ लोगों ने कमाल कर दिया। डियर फ्रेंड्स, उनके बिजनेस में अगर मैं कहूं तो 200% का ग्रोथ है जूम के आने के बाद, और प्रत्येक दिन उनके लोगों की संख्या जूम पर बढ़ती जा रही है। जितने लोग जूम पर बढ़ते जा रहे हैं उनका व्यवसाय बढ़ता जा रहा है, और कुछ लोग जैसा पहले थे वैसा ही हैं। जब 8:30 बजता है तो कॉल जाता है, मैसेज आता है, ठीक है सर ज्वाइन कर लेते हैं। और जिस दिन day 1 में वो आए थे उस दिन भी अकेले आए थे, और आज 2 महीना होने को है, आज भी वो जूम को ज्वाइन करके अकेले बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने सही प्रमोशन नहीं किया है। और अगर कामयाब होना चाहते हैं, इससे बेहतर मोमेंट कभी नहीं मिलेगा आपको, जहां सप्ताह का पूरा साइकिल आपके लिए तैयार है। आपका काम कितना आसान है आप समझ नहीं पा रहे, आपका काम इतना आसान है। लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जूम ऐप लोड कराइए, और लोड कराने के बाद कॉल कर लीजिए। हर दिन आपके लिए मीटिंग हो रहा है, हर सप्ताह शुरुआत है, परिवर्तन है। तो हम लोग चौथा जो काम यहाँ करना होता है वो सीखने का है। पांचवा काम है एक्टिव अपलाइन और डाउनलाइन के टच में रहना। ये संवाद का बिजनेस है डियर फ्रेंड्स, और जहां पर संवाद खत्म हो जाएगा वहां पर विवाद शुरू हो जाएगा। अगर चाहते हैं विवाद शुरू ना हो तो संवाद को बनाए रखिए। और इस बिजनेस में मोबाइल की से अगर हम तुलना करें एक इंसान का, तो मोबाइल आपका कितना भी कीमती क्यों नहीं हो, लेकिन उसका चार्ज होना जरूरी है। अगर आपकी मोबाइल चार्ज नहीं है तो वो कोई फंक्शन नहीं कर सकता। और आपको भी पर डे चार्ज होना है, तो चार्ज होने के लिए कौन है इस बिजनेस में, आपका अपलाइन है। आप अपने व्यवसाय में अपना एक मेंटर बनाइए, अपना एक गुरु बनाइए, और उस गुरु को समर्पित कीजिए। हर दिन एक बार कॉल कीजिए, और जब आप कॉल करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, 1 सप्ताह अगर लगातार अपलाइन को कॉल आपने कर लिया तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है कि आप फील्ड में कोई एक्टिविटी ना करें।
आप निश्चित रूप से अगर अपलाइन से अगर काम समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस सुबह उठ के एक बार बात कर लीजिए अपलाइन से और एक सप्ताह करके देखिए, उसके बाद आपको हमको फोन करना पड़ेगा, आप बताएंगे कि क्या जादू हुआ है आपकी जिंदगी में। तो ये सनराइज और सनसेट कॉल है सुबह में और शाम में अपने अपलाइन के एक्टिव अपलाइन के टच। बिट्टू जी हेलो जी सर, प्रसन्ना सर, सर का लगता है फिर डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ फिर से डिस्कनेक्ट हो गए थे बिट्टू जी, फिर कर रहे हैं अपलोड जी सर। जस्ट मिनट। ओके ओके सर। बिट्टू जी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। चलिए, कोर के सात सिद्धांत का छठा नियम है सही स्ट्रक्चर के साथ काम करना। देखिए पैसा कमाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में हमारे पास स्ट्रक्चर का ज्ञान नहीं होता और हम जैसे तैसे नेटवर्क तैयार कर लेते हैं और जिसके कारण हमारा बड़ा वॉल्यूम होने के बाद भी हो सकता है कमाई हमारी कम हो या हमारा ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ रहा है अपनी कमाई की तुलना में। लेकिन अगर स्ट्रक्चर सही हो जाए, एक रोड मैप आपका सही हो जाए, तो आप आसानी से इस बिजनेस में लाख दो लाख रुपया कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है टीम 11। टीम 11 तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो ये आपके लेग्स हैं। तीन लेग के साथ हमने यहां पर शुरू किया और तीन लेग में तीन तीन लोगों को तैयार करना है जो लोग इस बिजनेस को सही सही कर सके। मतलब आपके टीम में आपको मिलाकर 11 आदमी है जो कोर के इस सातों नियम का पालन करे, जो फोर बेसिक का पालन करे। अगर ये आपने तैयार कर लिया तो समझ लीजिए कि 50,000 रुपए की आमदनी की व्यवस्था लगभग आपने कर ली है। 2-4-6 महीने में आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां 50,000 रुपया आपको मिलना शुरू हो जाएगा मोदी केयर से। कितना आसान स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। एक लेग में तीन आदमी डेमो किट लेकर के, लिस्ट तैयार करके, अपॉइंटमेंट करके और अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर रहा है। जब ये तैयार हो जाए टीम 11, तो हम लोग बात करेंगे टीम 25 की। और टीम 25 में आपके 6 लेग होंगे और हर लेग में 4-4 लोग ऐसा हो जो डेमो किट लेकर के हर दिन फील्ड में निकलना शुरू करता है। आपका इनकम 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक के इनकम की तैयारी आपकी हो जाएगी जब आपने टीम स्ट्रक्चर टीम 25 तैयार कर लिया है। सातवां कोर का नियम है कि टीम प्लेयर बनिए, टीम के लिए आप काम कीजिए, टीम के साथ खेलिए। क्योंकि जब भी आप यहां पर जीतते हैं तो वो जीत आपकी व्यक्तिगत नहीं होती और जब भी आप हारते हैं तो हार व्यक्तिगत नहीं होती, क्योंकि यहां पर टीम के साथ हम लोग काम करते हैं। और जो भी काम टीम के साथ किया जाता है उसमें पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि एक टीम में बहुत सारी संभावनाएं होती है। देखिए कुछ ऐसी बात आप में है जो मुझ में नहीं है और कुछ ऐसी बात जो मुझ में है वो अमिताभ बच्चन साहब में भी नहीं है। लेकिन हम सभी लोग अगर एक साथ मिल जाते हैं तो हम सभी लोग मिलकर एक पावर बनते हैं। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, अपने टीम की जिम्मेदारी, अपने टीम की धरोहर बनिए, अपने अपलाइन की धरोहर बनिए, अपने अपलाइन की जिम्मेदारी मत बनिए। संपत्ति जो होता है उसको सजा के रखा जाता है प्यार से, और जिम्मेदारी जो होता है उसको पटका जाता है उठा के, उसको जिम्मेदारी को कोई नहीं लेना चाहता है। इसलिए संपत्ति बनिए अपने टीम का और आपका टीम आप पर गर्व करेगी, आप इस टीम में हैं और आपको एक बेहतरीन रिकग्निशन आपको मिलेगा। तो 7 कोर स्टेप्स आपने सुन लिया और बहुत कम शब्द में बात करूंगा, 3 बुलेट रूल। ये 3 बुलेट रूल ये बुलेट की तरह काम करता है। बुलेट के बारे में आपने सुना होगा कि किसी को गोली लगती है तो कोई मर जाता है और हम लोग ये मानते हैं कि उसकी मौत गोली लगने से हुई है, जबकि गोली लगने से किसी की मौत नहीं होती है। मौत उसकी होती है गोली में जो रफ्तार होता है, जो वेग होता है, उस वेग से लोग की मौत होती है। क्योंकि आप एक ऐसे बुलेट को उठाइए और किसी इंसान को ऐसे मारिए, उसको कुछ नहीं होता है, बुलेट तो वही है, लेकिन जब उसको एक रफ्तार मिलती है तो वो बड़ा काम कर जाता है।
हमारे पास इस बिजनेस में आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है कि आप किस तरीके से कितने दिनों में अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी उम्र जब 70 साल 72 साल की हो तब BMW का सपना आपका पूरा हो, तो आप जैसे मन है उस तरह से बिजनेस को कीजिए। लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 साल के अंदर 4 साल के अंदर अपनी जिंदगी का फैसला करना है, उन्हें अपने सपनों तक जल्दी पहुंचना है, और जिन लोगों को जल्दी अपने मंजिल पर पहुंचना है उनके लिए काम करता है हमारा 3 बुलेट रूल। सबसे पहला रूल क्या है, ज्वाइन 100 PV क्लब। अभी आपने इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले आपने कुछ लोगों की तस्वीर देखी थी, वो सभी वो लोग थे जो 100 पीवी क्लब को लोगों ने ज्वाइन किया। 100 पीवी क्लब क्या होता है ये अपने अपलाइन से आप फोन करके पूछ लें, और आपके अपलाइन को बताने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब आप फोन करके कोई चीज उनसे पूछते हैं तो देखिए वो आपकी ना सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि आपकी मदद भी करेंगे 100 PV क्लब में शामिल होने के लिए। दूसरा काम करना है, मेसिव एक्शन करना है। बिना काम किए कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो सकता। अपने वर्क का एक गोल बनाइए, 100 दिन के अंदर 200 डेमोंस्ट्रेशन दिखाने का एक कमिटमेंट लीजिए, और ऐसा समझ लीजिए कि आपको एक नौकरी मिली है, एक जॉब आपने ज्वाइन किया है, जिस जॉब में 100 दिन में 200 डेमोंस्ट्रेशन आपको करना है। एक दिन का अगर हिस्सा जोड़ें तो 2 डेमोंस्ट्रेशन रोज का हिस्सा आता है, और आप इस चीज को कर डालिए। अगर अपने सपनों से प्यार है और उन सपनों को साल 2 साल में जीना चाहते हैं तो एक बार ये कमिटमेंट कर लीजिए और इस चीज को कर डालिए कि 100 दिन के अंदर 2 डेमोंस्ट्रेशन दिखा के रहेंगे। उसके बाद बिल्ड 11 स्टार स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था टीम 11, वो स्ट्रक्चर आप तैयार कर लें, और इस तरीके से ये 3 काम को करके आप अपने बिजनेस में एक बेहतरीन रफ्तार दे सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं मोदी केयर बिजनेस में आप सभी लोगों के कामयाबी की कामना करता हूं। मैं चाहता हूं आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में हजारों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं उसी तरीके से आपके भी सपने पूरे हों। डियर फ्रेंड्स, सपना आपका है, जिंदगी आपकी है, लेकिन चूंकि हम लोग एक टीम से हैं और एक टीम में जब आप कामयाब होइएगा तो जितनी खुशी आपके परिवार के लोगों को होगी उतनी ही खुशी हम सभी लोगों को भी होगी, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि आपके बिजनेस में सपने पूरे हों, और हम अपने दायित्व पर आपके सहयोग के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। निर्णय आपको करना है, कदम आपको बढ़ाना है। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट, और माइक को बिट्टू जी के ओवर करना चाहता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इस सिद्धांतों आपकी आवाजों को सुन के कान से ये आवाज अंदर जाके काफी वाइब्रेशन मेरे अंदर पैदा कर रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत जबरदस्त आपका सर दिख रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो आज आपने उस गायत्री मंत्र की तरह अपने 4 बेसिक और 7 कोर स्टेप को जो बताया, मतलब यहां से हर वो मंत्र निकला है जो कामयाबी की ओर जाता है। मैं समझता हूं आज जितने भी लोग हमारे जूम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सारे लोगों ने आज इस चीज को समझा, देखा, सुना, और नो डाउट सब लोग कामयाबी के लिए अग्रसर हैं। आज इसीलिए सब लोग जूम मीटिंग में है, नहीं तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खा के टीवी देख रहे हैं या अपने घरों में सो रहे हैं, लेकिन हम सब लोग जूम मीटिंग में हैं, तो नो डाउट हम सब लोगों को सपने हैं, हम लोगों के सपने को पूरा करना है, इसीलिए हम जो मीटिंग में है। दोस्तों, जैसा कि बताया सर ने, आज कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सफर की शुरुआत करते हैं, मंजिलें भी उन्हीं को मिलती है जो सफर की शुरुआत करते हैं, और अच्छे जो सफर करने वाले होते हैं, अच्छे जो मुसाफिर होते हैं, उनका मंजिल भी इंतजार करता है। दोस्तों, आज हर एक लोगों को, हर एक टीम को, हर एक बिजनेस करने वाले लोगों में, हर लोगों में एक ऐसा लोग ढूंढते हैं जो, जैसा सर ने बताया, आज अगर कोई चीज आप नहीं कर पा रहे हैं जो सर ने बताया, और जो चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसमें थोड़ा भी आपको डाउट है, तो आज अभी
अपने अपलाइन को कॉल करें और उस चीज को समझें। आपके अपलाइन आपके लिए हमेशा तैयार है और पूरी टाइगर टीम आपके लिए तैयार है, आपकी कामयाबी के लिए कामना करती है, कदम आपको बढ़ाना है जैसा कि सर ने कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने अच्छे सेशन के लिए। और मैं चाहता हूं जो इस तरह का सेशन, हमको लगता है ये सेशन बार बार होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये हमारे सबकॉन्सियस माइंड में ये सभी सिद्धांत नहीं चली जाती, तब तक ये सेशन आप करते रहें। और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टाइम भी चुकी हो चुका है, 9:30 बजने वाले हैं। तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और शुभकामना देता हूं अपने कामयाबी पे, और आपके सपने पूरे हो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना आप सारे लोगों को। और फिर कल फिर हम मिलते हैं अपने आप को चार्ज करने के लिए, क्योंकि कल फिर हम डिस्चार्ज होंगे और कल फिर 8:30 बजे हम लोग इस जूम मीटिंग में चार्ज होंगे, क्योंकि चार्जिंग का सिद्धांत अब हमेशा 8:30 बजे यहाँ चार्जिंग प्लग लगा हुआ है। आप आइए, अपना चार्जिंग प्लग लगाइए और